वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग बनाएंगे गुलाब का परफ्यूम। तो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी, तो देखते हैं। देख सकते हैं इनको बिल्कुल पीछे से नहीं निकालेंगे, सिर्फ ऊपर से निकालेंगे, क्योंकि इसमें और भी फ्लावर लगे होते हैं, वो नहीं निकलने चाहिए। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं आप कैसे निकालेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के फ्लावर हमने निकाले हैं और यहाँ पर हमारे दादाजी ने उगाए हैं। ये नींबू के पेड़ है और ये गलगल का पौधा है जो अभी बन रहे हैं, इनकी प्लांटिंग अभी बाद में करेंगे। और ये है कुप्पू का पौधा, जिसको जो हमारे यहाँ पर जब शिवरात्रि होती है उस टाइम पे यूज होता है। तो अभी इन सब की प्लांटिंग नहीं हुई है और बाकी के ये सब खाली है, तो इनकी प्लांटिंग अभी टाइम पे होगी नेक्स्ट ईयर। ये देख सकते हैं आप, ये अनार का पेड़ है। बेसिकली यहाँ पर होते नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा गर्म है इसीलिए हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इसकी फ्लावरिंग अभी पर हुई है। यहाँ पर एक ही है और ज्यादा तो नहीं है, बट ये है, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर भी होना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है दारू का पेड़, जो भी नहीं होता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी फ्लावरिंग हुई है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ ये अभी इस टाइप का है, देख सकते हैं कैसा है। और इसकी अभी फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये हमारे दादाजी हैं, इन्होंने ये पेड़ उगाए हैं, देख सकते हैं किस तरह से हो रहे हैं। अभी इनकी क्रॉपिंग होगी और ये बेसिकली चटनी के लिए यूज होता है, क्योंकि ये चटनी में खट्टापन होता है, वो देता है। सो गाइज, हम लोग उसके बाद घर आ चुके थे। फिर हम लोग इसको बनाएंगे स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो हम लोग इसके अंदर ये फ्लावर डालेंगे, फिर हम लोग एक और बाउल बीच में डालेंगे और उसके ऊपर एक और बाउल डालेंगे। फिर साइड से हम लोग इसमें पानी देंगे। इसको बनने में अप्रॉक्सीमेट 20-30 मिनट्स लगेंगे। और अगर आप इस आग के ऊपर बना रहे हैं, अगर आप गैस के ऊपर बनाएंगे तो 15-20 मिनट्स काफ़ी हैं। तो हम लोग इसको बनाएंगे, इसमें ढक्कन देंगे हम लोग, और ढक्कन को हम लोगों को सीधा नहीं, उल्टी साइड को ढककर लगाना है, ताकि वो सारा रिस के इसके अंदर रोज़ वाटर आ सके। तो देखेंगे, हम लोग इसको आग के ऊपर बना रहे हैं, इसीलिए इसमें टाइम लगेगा। सो गाइज, आप लोग ये देख सकते हैं, हमने इसको उतार लिया है, गर्म हो गया है अब। और ये देखिए, ये इसके ऊपर हम लोगों को ये निकल गया है, तो हम लोगों को इसको अभी सेव करके थोड़ा ठंडा होने देना है। तो ये हमने उसके बाद कुछ लाल कटक लिए हैं, जो कि परफ्यूम बनाने के लिए अभी जरूरी है। तो ये हमने यहाँ पर देखो, ये एप्रिकॉट ऑयल लिया है, जो कि हम लोगों को फ्लावर बनाने के लिए चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इसकी वजह से कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। तो हम लोग इसकी सिर्फ दो स्पून लेंगे और इसको ऐसे फैला देंगे, इसको थाली में फैला देंगे दो स्पून लेकर। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे इसको फैला देंगे पूरे प्लेट में। आप चाहे अगर प्लेट नहीं लेनी है तो वो ट्रे में भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ट्रे इक्वल साइज की होनी चाहिए, तो इससे बेटर रहता है। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर ये फ्लावर लिए हुए हैं, इनको हम लोग इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। जितने अच्छे से फैलाएंगे उतने अच्छे से फैला लेने हैं, एकदम हर कोने तक फैला देने हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, और इस तरह से हम लोगों ने इसको कर लिया है। फिर हम लोग इसमें जो ये पेटल्स का जो रस निकला हुआ है ऊपर से, उसको हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। ये इस तरह से फैला देंगे, ये सारे में जाना चाहिए। अब हम लोग इसको दो दिन के लिए ऐसे बंद करके रखेंगे, इसमें कोई भी हवा नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें टेप भी लगाएंगे, ताकि ये हवा के कांटेक्ट में ना आए और एकदम सेफ रहे। आप चाहे तो इसके लिए कुछ और जो आपको अच्छा लगे वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। तो अब हम लोग इसको दो दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे, किसी ठंडी जगह पे रखेंगे, फिर दो दिन बाद इसको चेक करेंगे। हमारे इस परफ्यूम को दो दिन हो गए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हुआ। तो जो हमने इसके चारों तरफ टेप लगाई हुई थी, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे टेप लगाई हुई थी। तो अब इसको हम लोग निकाल रहे हैं, तो देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, इसको एकदम एयर टाइट सील रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है, देखिए।
ये देखिए ये फ्लावर डाइल्यूट होना स्टार्ट कर दिए हैं, और जो यहाँ देखिए साइड साइड में है ये परफ्यूम। हम लोग इसको निकालेंगे, इसके ये फ्लावर है इसको हम लोग साइड कर देंगे और इनको हम लोग साइड से ही निकालेंगे। देख सकते हैं इनको हम लोग, ये हमारे चाहे तो इसको हम लोग फेस मास्क बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नहीं करना तो इनको इनकी ज़रूरत अब नहीं है। और ये देखें ये जो यहाँ पर है ये हमारा परफ्यूम है, देख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ इस गिलास में निकालेंगे, और जो यहाँ से इतना परफ्यूम निकला है देख सकते हैं ये परफ्यूम है। ये देखिए निकाला था प्लेट से, और फिर हम लोग इसमें दो स्प्रे करेंगे इथाइल एल्कोहल की। तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे आ नहीं रहा है ये। अब हम लोग इसको थोड़ा ऐसे हिलाएंगे, फिर हम लोग इसको फ्रेग्रेंस करेंगे। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हम इनसे पूछेंगे हमारे छोटे शैतान इनको कैसी लग रही है, बता रहे हैं। तो हम लोग किससे पूछे, हम लोग पूछेंगे हम लोग हमारी बड़ी मम्मी से, बुजुर्ग आइए हम लोग इनसे पूछते हैं। आइए तो ये है हमारा परफ्यूम, तो हम इनसे पूछेंगे इनको कैसी लग रही है। बहुत अच्छा बना हुआ है इनको ये बहुत पसंद आया। और तो ये हमारे भैया हैं, बहुत ही अच्छी है वैसे तो, दो दिन की मेहनत का फल अच्छा लग रहा है। ये हमने दो दिन में किया था और इन्होंने मेरी हेल्प की थी बनाने में, और वीडियो बनाने में, जी हाँ वीडियो बनाने में इन्होंने हेल्प की थी। तो ये बहुत अच्छी लग रही है, और अगर इसको रूम टेम्परेचर पे बताओगे तो इसको एक महीना तक रख सकते हैं, और अगर आप लोग इसको रखेंगे फ्रिज में रखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने तक चलेगा। तो ये देखिए हम लोग, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर लिया होगा आपने। तो थैंक यू, बाय बाय।